मैं साथ ही आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग जो यह संक्रमण है, इस संक्रमण को दूर करने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। वर्ण, भाषा, भेदभाव, प्रांत, इस सबको हटाकर हमें एक उदारवादी सोच का परिचय देना होगा। हर व्यक्ति जो अपने से अपवंचित व्यक्ति है, उसकी सहायता के लिए सदैव तैयार रहे, ऐसा हमें विचार रखना पड़ेगा। एक विषय और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कोरोना संक्रमण, भारत ने दो महत्वपूर्ण लॉकडाउन, जो कि पहला 21 दिन का था और लगभग दूसरा आपका 3 मई तक है, तो ये बड़े बड़े लॉकडाउन जहाँ हमारी अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट करते हैं, लेकिन ये अति आवश्यक थे। इन अति आवश्यक लॉकडाउनों को सफल बनाने के लिए मैं पूरे हल्द्वानी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी, उनके द्वारा भी सभी चीज़ों की समीक्षा करने के उपरांत जितने भी निर्णय उन लोगों के द्वारा लिए गए हैं, ये निर्णय एक इस संक्रमण को रोकने में एक अपनी अमिट छाप छोड़ रहे हैं, जिस कारण पूरा विश्व आज हमारे देश को कहीं ना कहीं सराह रहा है कि संक्रमण को रोकने में भारत सबसे अग्रणी देश बन चुका है। कोविड-19 संक्रमण जो कि विश्वव्याप्त है, भारत बंद के, जनता कर्फ्यू के माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा देश इसके लिए सचेत हो गया और तैयार भी हो गया कि आने वाले दिन कठिन हैं। उसी तरह संबंधित सभी विभाग भी अपनी तैयारियों में जुट गए। नगर निगम हल्द्वानी का भी एक मुख्य अहम इस संक्रमण की रोकथाम में रोल रहता है, इसके लिए हमने कार्य योजना बनाई और कार्य योजना में हमने 2-3 चीज़ों को मुख्यतः टारगेट किया। सबसे पहला बिंदु, हमने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम यानी कि राशन की दुकानें हैं, चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे ATMs हैं, चाहे एसेंशियल गुड्स की दुकानें हैं, उनमें हमने 1.5-1.5 मीटर में सर्कल्स बनाकर लोगों को एक अवेयर किया कि आपको इन सर्कल्स में रहना है, पूरे शहर में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल्स बने। साथ ही हमने पूरे शहर भर में जितने भी जगह पब्लिक प्लेसेस इत्यादि हैं, उनमें हम लोगों ने प्लेकार्ड्स लगाए, हम लोगों ने होर्डिंग्स लगाए ताकि लोग इस बीमारी के बारे में जानें, संक्रमण कैसे फैलता है और संक्रमण की रोकथाम के लिए क्या चीज़ें आवश्यक है, इस पर हमने प्रकाश डाला। नगर निगम का एक महत्वपूर्ण पार्ट सैनिटाइजेशन का होता है। सैनिटाइजेशन के विषय में हमने एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की, जिसमें हम लोगों ने 435 हैंड स्प्रे मशीन्स को यूज़ किया और लगभग 60 टैंकर्स जो कि सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे करेंगे, उसको हम लोगों ने एक कार्य योजना के तहत उनको हमने अपने बीड़े में सम्मिलित किया और लगभग हर वार्ड में पार्षद, चूँकि पार्षद की एक अहम भूमिका होती है और एक लोग कहीं ना कहीं उनके बीच जुड़े रहते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं, उनका गहरा जुड़ाव रहता है, तो सैनिटाइजेशन के प्रोग्राम को लीड करने के लिए हमने पार्षद को अग्रणी बनाया और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। हर छोटी छोटी गलियां, संकरी गलियां हो, चाहे आपके चौड़ी गलियां हो, चाहे अन्य पब्लिक प्लेसेस हो, सब जगह सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम हर तीसरे दिन लगभग हमने प्रत्येक वार्ड में करने की कोशिश की है। इसी तरह एक जहाँ कहीं पर कोई चूक हो जाती है और लोग हमें कहते हैं कि सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम यहाँ पे नहीं हो पाया, सैनिटाइज नहीं हो पाया, तो हमने उसके लिए क्विक रिस्पांस टीम का भी गठन किया जो तत्काल उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करती है। एक जिससे और आता है कि जब ऐसा समय आता है तो कहीं ना कहीं खाद्यान्नों का संकट भी आता है, जिससे कि अप्रवासी लोग जो हल्द्वानी में निवासरत थे, चाहे यहाँ के आर्थिक रूप से अपवंचित लोग वर्ग थे, चाहे पशु पक्षी इत्यादि थे, इन पर खाद्यान्न का संकट न हो, इसके लिए हमने राशनिंग ठीक से होकर के हमने जिला प्रशासन से बात करी, नगर प्रशासन से बात करी और लगभग खाना हर अपवंचित वर्ग या अप्रवासी
भारतीय जो हल्द्वानी में रहता है उस तक हमने पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। हमारे जो पशु पक्षी हैं और जो हमारे गोवंश हैं उसको भी हम लोगों ने खाद्यान्न संकट न हो ऐसा हम लोगों ने पूरी कोशिश की, और जिला प्रशासन के मामले के माध्यम से 16 लाख रुपया जिला को मिला हमारे इन पशु पक्षियों को फीड कराने के लिए, और नगर निगम और जो वेटरनरी डिपार्टमेंट है वो उसकी देख रेख ठीक से कर रहा है। शहर में 60 सिटी रिस्पांस टीम्स का गठन किया गया है जिसमें एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एक आशा कार्यकर्ता बहन होती है, और साथ ही हमारे नगर निगम का एक एम्प्लॉय उसमें होता है। जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन न हो या जो होम क्वारंटीन में लोग हैं उनकी रिपोर्ट को अपडेट करें, इसके लिए टीम का हम लोगों ने गठन किया जिला प्रशासन के एडवाइजर के द्वारा, और वो सिटी रिस्पांस टीम नगर आयुक्त के नेतृत्व में अच्छा कार्य कर रही है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो फ्रंटलाइन के हमारे डॉक्टर्स हैं, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूँ। वो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूँ, उनको भी प्रणाम करता हूँ, दिल से हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि 50% मरीज इस उत्तराखंड में जो पॉजिटिव थे वो आज नेगेटिव हो गए, यानी कि हमें 50% लोगों को ठीक कर लिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही मैं नगर निगम के समस्त परिवार को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके द्वारा इस लड़ाई में अपना अहम योगदान दिया गया। हमारे सभी सम्मानित पार्षदों को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, और अन्य विभागों के समस्त कर्मचारी बंधु को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट जिसका अहम रोल रहा है इस लॉकडाउन को सफल बनाने में, लोगों को प्रेरित करने में, लोगों को राह दिखाने में, उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ।